जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और आज इसका जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टूडेंट्स ऐसे ही है जैसे आम कॉमन लाइफ के अंदर ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे कंट्री के अंदर अगर कोई फॉरेन से आता है हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, हमारे एम्बेसडर से मिलने के लिए, फॉर एग्जांपल वो चाइना से है या टर्की से है या किसी और कंट्री से जिसको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, उसको उर्दू बोलना भी नहीं आती, ना वो अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको इंग्लिश भी प्रॉपर बोलना नहीं आती, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि हम ट्रांसलेटर को कॉल करते हैं। ट्रांसलेटर क्या करता है? हमारी बात उसको समझा देता है और उसकी बात हमें समझा देता है। इट मींस के ट्रांसलेटर को हमारी लैंग्वेज भी आती है और उसको जो सामने हमारे पास फॉरेनर है उसकी लैंग्वेज भी आती है। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी कंप्यूटर में ट्रांसलेटर का है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज, क्या होती है। आम कॉमन लाइफ के अंदर लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, हम किसी से बात करना चाहते हैं तो इसकी लैंग्वेज आना ज़रूरी है। ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं तो कंप्यूटर की लैंग्वेज आना ज़रूरी है। फिर हमने देखा देर आर टू टाइप ऑफ द लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। और कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को, 01 को, उसको कोई और लैंग्वेज समझ नहीं आती। लेकिन ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, हम 01 को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस ह्यूमन बीइंग। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करवाया। दीज लैंग्वेज जस्ट लाइक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, और इसके अंदर हम कमांड्स भी बिल्कुल ऐसे लिखते हैं जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, हम उसको ईजीली अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। तो हमने भी उसका वही सोल्यूशन किया जो हमने कोई फॉरनर हमारे पास आया था तो उसके लिए हमने सोल्यूशन ढूंढा था ट्रांसलेटर का। तो यहाँ पे भी हमने ट्रांसलेटर की हेल्प ली, हमने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवाई जिनको हम आसानी से लर्न भी कर सकते हैं और उसमें प्रोग्राम भी आसानी से राइट कर सकते हैं। तो फिर हमने ट्रांसलेटर से कहा कि इसको कन्वर्ट कर दो मशीन लैंग्वेज के अंदर ताकि कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर सके, और वापसी कंप्यूटर जो भी आंसर करे उसको कन्वर्ट करो ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज में, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेटर का यहाँ पे। तो हमारे पास इसकी अगर हम डेफिनेशन की स्टूडेंट बात करें, या ट्रांसलेटर इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर, कि हमारी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको ये प्रोसेस करता है, दैट कन्वर्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज। इट टेक्स अ प्रोग्राम रिटन इन सोर्स कोड, ये हमसे प्रोग्राम कैसे लेता है, सोर्स कोड लेता है हमसे। व्हाट इज द सोर्स कोड? हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर स्टूडेंट जो भी प्रोग्राम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड, और वो सोर्स कोड हम प्रोवाइड करते हैं किसको, ट्रांसलेटर को। ट्रांसलेटर क्या करता है, एंड कन्वर्ट इट इन टू ऑब्जेक्ट कोड। तो हमारा ट्रांसलेटर हमारे उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ऑब्जेक्ट कोड इज आल्सो कॉल्ड मशीन कोड 01 की फॉर्म में। तो देन अब तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गया, जब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया 01 के अंदर कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। इट डिस्कवर एंड आइडेंटिफाइज द एरर। ट्रांसलेटर का एक और काम भी है कि अगर हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कोई एरर्स हैं तो ये उनको डिस्कवर भी करता है और फिर हम उसको दोबारा करेक्ट करते हैं तो दोबारा उसको एग्जीक्यूट करता है और हमें बताता है या कंपाइल करता है कि इसमें कोई एरर है या नहीं। तो यहाँ तक हमने ये अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली ट्रांसलेटर के दो बड़े काम हैं, एक तो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसको कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज के अंदर, और दूसरा अगर हमारे उस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर्स हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना भी इसकी जिम्मेदारी है। हमारे पास तीन तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं। नंबर वन इज असेंबलर,
and the second one is interpreter and the third one is compiler. So the first हमारे पास जो translator है assembler, इसके नाम से ही हमें feel हो रहा है that is used for the assembly language. And you know हमने last lecture में discuss किया था, जिसमें हमने discuss किया था computer language को, तो हमने high level language और जो दूसरी category थी low level language, तो लो लेवल लैंग्वेज में हमने मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को रखा था. असेंबली लैंग्वेज प्योर मशीन लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन लिटिल बिट क्लोज टू मशीन लैंग्वेज. जी स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं हम असेंबलर को. असेंबलर कन्वर्ट कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, कि हमारे पास जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम कोड लिखते हैं, एंड दिस कोड इज ऑल्सो कॉल्ड निमोनिक्स, के जो हमारे असेंबली लैंग्वेज के कोड्स हैं उनको हम निमोनिक्स कह सकते हैं. तो बेसिकली हमारा असेंबलर उस कोड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर. तो हमारे पास जो फेमस जो असेंबलर हैं GNU और GAS. तो स्टूडेंट्स हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर को यूज करते हैं. एंड द सेकंड वन इज द इंटरप्रेटर. कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, हम जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं, इंटरप्रेटर इसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर. लेकिन इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में एक बड़ा डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल, इंटरप्रेटर क्या करता है, एग्जीक्यूट लाइन बाई लाइन. फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक प्रोग्राम के अंदर 10 लाइन्स हैं, 20 लाइन्स हैं या 100 लाइन्स हैं, तो वो क्या करता है, एक एक लाइन को पकड़ता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है और फिर इसको रन करता है, फिर नेक्स्ट लाइन को, फिर नेक्स्ट लाइन को. सो दैट्स व्हाई इट्स स्लो. जो इंटरप्रेटर है वो स्लो काम करता है. कौन सी लैंग्वेजेस इसको यूज करती हैं, हमारे पास PHP है, पाइथन आजकल वेरी फेमस लैंग्वेज, उसके बाद विजुअल बेसिक है, जावास्क्रिप्ट है, तो ऑल ऑफ दीज लैंग्वेज यूज द इंटरप्रेटर. सो इंटरप्रेटर भी हमारे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर. एंड द थर्ड वन इज द कंपाइलर. कंपाइलर भी सेम काम करता है, हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर. बट वॉट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, अगर यहां पर आप देखें तो कंपाइलर द होल प्रोग्राम इज कंपाइल्ड. वहां पे हमने इंटरप्रेटर में क्या किया था, एक एक लाइन को हमने चेक किया, उसको ट्रांसलेट किया और फिर रन किया और फिर नेक्स्ट लाइन. लेकिन यहां पे हम होल जो प्रोग्राम है उसको इकट्ठा कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद हमारे पास एक कोड जनरेट होता है, कंप्लीट कोड, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कोड. फिर हम उस हमें नेक्स्ट टाइम उस सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट कोड है या मशीन कोड है उसको डायरेक्टली हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई जो कंपाइलर है ये फास्ट है, जो इंटरप्रेटर है वो थोड़ा स्लो है. तो कंपाइलर को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, नॉर्मली वेरी फेमस जो हमारे पास लैंग्वेज है, जैसे सी इज़ अ वेरी फेमस, C++ इज़ अ वेरी फेमस लैंग्वेज, तो कंपाइलर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं. और डिफरेंट कंपाइलर्स जो हमारे पास काफ़ी फेमस हैं, जैसे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं 11th क्लास के, वो टर्बो सी कंपाइलर को यूज़ करते हैं, और कुछ स्टूडेंट डेव जो है उसको यूज़ करते हैं. तो ये हमारे पास कंपाइलर्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि ट्रांसलेटर क्या होता है हमारे पास, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रांसलेटर कौन कौन सी हैं, और कौन सा ट्रांसलेटर हमारे पास ज़्यादा फास्ट वर्किंग करता है. आई होप आज का लेक्चर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.